साथी उमस से भी परेशान है। शुक्रवार को राज्य के कुछ जिलों में बारिश हुई, लेकिन बाद में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। आज भी कई जिले में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। उमस और गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस बीच शुक्रवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश तो हुई, लोगों को थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन बाद में उमस और अधिक बढ़ गई। बिहार में बारिश वैसे भी कम हो रही है, केवल किशनगंज में ही सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने होने के कारण अगले 2 से 3 दिनों में पटना समेत बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो बारिश के लिए कुछ जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। आज यानी शनिवार के लिए बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना समेत कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल के लिए भी आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक इसकी संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। उत्तर बिहार की अगर बात कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से 31 जुलाई 2024 के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि अभी फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। गर्मी और उमस से लोग लगातार रूबरू होते रहेंगे, तो मौसम का जो ये उतार चढ़ाव है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राजधानी पटना में भी बारिश तो हुई ही, लेकिन उसके बाद और उमस और तपिश ने लोगों को काफी परेशान किया है। फिलहाल मौसम में यही स्थिति है कि मानसून जो है वो कमजोर पड़ चुका है और लोग फिर से गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बेतिया में मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कारण नहर का पानी लोग के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोगों के घर के तरफ से नहर का खुदाई का काम हुआ था और छोटे पुलिया का निर्माण किया गया, लेकिन पुल की ऊंचाई ज्यादा होने से पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुल जो छोटा है, पुल का हाइट ज्यादा है, ऊंचा है, ठीक है, और नहरी का गहराई नीचे तक हो गया, ठीक है। आगे पानी जाने के लिए निकास नहीं हो पा रहा है, निकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए का इसलिए है कि सबसे पहले का काम है कि जो नहरी जब तक नहीं खोना के पुल नहीं तूर के बन रहा है दूसरा वाला पुल, तब तक पानी आगे जाने के लिए जो खोल रहे हैं लोग कमाड़ा तक, छोटा कमाड़ा वाला जो खोल रहे हैं लोग पानी जाने के लिए, तो उससे परेशानी हो रहा है कि बार बार बांध टूट जा रहा है, पानी हम लोग के द्वार के पास में पूरा भर गया अभी। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।